हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिशन वर्दी सीरीज का सेशन नंबर 15 डिस्कस करेंगे आज। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके, यानी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन, पुरंदर दास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रहीम सेन। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये शब्द किसके थे, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन दे रखे हैं निजामुद्दीन औलिया, फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो, त्यागराज। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, आई होप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। तो अगला क्वेश्चन है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कबीरदास। तो अगला क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन दे रखें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो आशा करता हूँ आप सभी जो है एग्ज़ाम के प्रति सीरियस है और वीडियो को पूरा पूरा देख रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं नामदेव, चैतन्य, रामानंद, रामानुजन। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आई उपसा सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चैतन्य। तो ध्यान दीजिएगा, इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। तो भक्ति आंदोलन एक क्रांतिकारी अभियान था, हिंदू क्रांतिकारी अभियान था, इसके नेता कौन थे भाई? इसके नेता थे शंकराचार्य, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयराम ने और अधिक मुखरता प्रदान की। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि मूर्ति पूजा को समाप्त करना रहा। ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन की मुख्य उपलब्धि क्या रही भाई? इसकी मुख्य उपलब्धि रही मूर्ति पूजा को समाप्त करना। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आई होप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत या फिर आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? वन गॉड सोसाइटी। तो अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन दे रखें क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी, सातवाहन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षत्रिय। तो ध्यान दीजिएगा, महावीर का जन्म कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे भाई? यानी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे कौन? महावीर। ठीक हो गया। तो महावीर से पूर्व यानी 23वें तीर्थंकर थे पाशर्वनाथ। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, महावीर का जन्म हुआ था, स्थान था कुंडग्राम, वैशाली के निकट है कुंडग्राम। और इनकी जो मोक्ष यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार। पावापुरी जो स्थान था, पावापुरी जिला था नालंदा, और कौन सा स्टेट? बिहार। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ऑप्शन दे रखे वर्धमान, अंशुमान,
सुधाकर, सोमदत्त। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्धमान। तो अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन दे रखे हैं शाक्य वंश, क्षत्रिका वंश, कुरु वंश और मौर्य वंश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शाक्य वंश। तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, जो कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की थी। और जो महामाया यानी गौतम बुद्ध की माँ थी, इनका जो निधन है यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो किसने किया था? भाई महामाया, जो उनकी माँ थी, उनकी छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और जो गौतम बुद्ध का नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। तो अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन दे रखे शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। तो ध्यान दीजिएगा, सिख गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। और जहांगीर ने लाहौर में, जो अब कहां पर है, पाकिस्तान में है, 30 मई 1606 को अत्यंत यातना देकर उनकी हत्या करवा दी थी। तो किसने करवाई थी भाई सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या? जहांगीर ने। कब करवाई थी? 30 मई 1606 में। तो आज के सेशन में इतना करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ।